तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोलिज्म का सीक्वेंट ऑफ रेशियो डिराइव किया था, और अब हम लोग इसको आगे चलेंगे एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस। इसी हाइड्रोलिक जंप में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस इन द हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, किसी हाइड्रोलिक जंप में कितना एनर्जी लॉस होता है। ठीक, EL, ठीक है, इसको लिखते हैं एनर्जी लॉस, वो कितना होगा, E और नीचे L लिख देते हैं, इसी का मतलब होता है एनर्जी लॉस। ठीक है, तो हम लोगों को डिराइव करना है एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन कितना होगा। ठीक, हेडिंग डालिए आप लोग एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस का सबसे पहले देखते हैं एनर्जी लॉस होता क्या है और कैसे हो रहा है हाइड्रोलिक जंप में। तो अगर हम बात करते हैं एनर्जी लॉस की, तो एक डायग्राम मैं ओपन करता हूं जहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में आते हैं, देखो पहले समझते हैं कि जो हम निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअली है क्या चीज, फिर आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। हम लोगों को निकालना क्या है आपका, बेसिकली हमें निकालना है एनर्जी लॉस कितना होगा। ठीक, जो कि आपका है ई एल, ये हमको निकालना रहता है। तो हमें ये पता है शुरू से कि कोई भी अगर हाइड्रोलिक जंप कहीं बनता है, जैसे कहीं भी अगर कोई हाइड्रोलिक जंप बन रहा है, तो आप कह सकते हो वो आपका सिंपल इसलिए बनाया जाता है कि हम वहां पे उसकी एनर्जी को कम कर सकें। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये है कि हाइड्रोलिक जंप की फॉर्मेशन ही की जाती है एनर्जी डिसिपेट करने के लिए, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। प्लस और भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, जैसे केमिकल की मिक्सिंग हो गई, एयर प्यूरिफाइंग एजेंट डालना हो गया, या एयर प्यूरिफाई मतलब ऑक्सीजन उसमें इनबिल्ट एयर में मिक्स करना पानी में, तो उस सारी चीजों के लगाया जाता है हाइड्रोलिक जंप। लेकिन उसके पहले ये भी रहता है कि हम लोग, आप कह सकते हो कि जो भी आपका हाइड्रोलिक जंप है उसका प्राइमरी फंक्शन तो यही होता है कि आपका क्या नाम है, सिंपल आप कह सकते हो कि एनर्जी लॉस कितना वो दे रहा है आपका। ठीक, तो अब एनर्जी लॉस के ऊपर आते हैं, तो होगा क्या ये, तो जैसे ये सेक्शन वन है, तो यहाँ की अगर एनर्जी निकालते हैं E1, यहाँ पे एनर्जी E1 होगी इस वाले लोकेशन पे, तो E1 निकालेंगे तो E1 इक्वल टू क्या होगा ओपन चैनल के लिए, Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, यही होगा Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये आपका हो गया E1। यहाँ आएंगे तो ये आपका हो जाएगा E2, और ये बराबर हो जाएगा Y2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अगर यही एनर्जी कर्व होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, तो वहां पे दो डेप्थ पे एनर्जी सेम होती, उसको बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। ठीक, क्योंकि ये हाइड्रोलिक जंप के बारे में डायग्राम बनाया गया है, और इसमें क्या होगा कि दो डेप्थ आती है Y1 और Y2। Y1 क्या होगा आपका इनिशियल यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो का डेप्थ होगा ये, और Y2 सब क्रिटिकल फ्लो का डेप्थ होगा, दोनों पे एनर्जी आपका चेंज करेगा, और ये जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी लॉस। मतलब यही जो चेंज आ रहा है यही आपका होता है एनर्जी लॉस। ठीक है, मतलब सेक्शन वन पे जो एनर्जी थी हमारी E1, उसमें से कुछ घटा, अगर E2 में कुछ चेंज आ रहा है, अगर मान लो हमने डिराइव कर ऐसे माइनस करते E1 यानी एनर्जी और सेक्शन 1 माइनस E2 यानी एनर्जी और सेक्शन 2, तो अगर ये वैल्यू जीरो आती तो हम कहते थे कि देयर विल बी नो चेंज इन एनर्जी, डेल्टा E क्या होता है जीरो। लेकिन अब अगर यहाँ निकाले तो मान लो यहाँ एनर्जी E1 10 मीटर है, यहाँ बच रहा है हमारा 2 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो EL है इसमें आपका 8 मीटर का एनर्जी लॉस हुआ है।
ठीक। तो ये जंप बनने के स्टार्टिंग से लेके जंप बनने के बाद जो भी एनर्जी लॉस होती है उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लॉस। ठीक। अब हमें न्यूमेरिकल देगा और कहेगा कि फाइंड करिए कि इस तरह के हाइड्रोलिक जंप का अगर ये डेप्थ है, ये सीक्वेंस डेप्थ दिया गया है या समथिंग कुछ भी, कि ये इनिशियल डेप्थ है या आफ्टर डेप्थ है, तो इस जंप में कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा वो निकालिए, क्योंकि और कोई डाटा नहीं होता है कि जिससे आप उसको निकाल सको। तो यानी कि इनिशियल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द हाइड्रोलिक जंप और जहां पे हाइड्रोलिक जंप टर्मिनेट होता है या एंड होता है उसके बीच में जो एनर्जी लॉस होता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है एक्सप्रेशन के थ्रू। तो हमें वो एक क्वेश्चन डिराइव भी करना होता है। ठीक। तो अब उसके डेरिवेशंस के ऊपर आते हैं। अगर डेरिवेशन सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग खुद ट्राई करिए, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, ये डायग्राम बना लीजिए फिर से वहां पे एनर्जी लॉस वाले में, और वहां पे सेक्शन वन की एनर्जी एट ये जो वन है यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे E1 होगा और यहाँ पे E2 होगा। E1 की वैल्यू लिख लीजिए और E2 की वैल्यू लिख लीजिए, E1 लिख लीजिए और E2 लिख लीजिए। ठीक। इसको ड्रॉ करके दो सेक्शन बनाइए और दोनों की वैल्यू नोट डाउन करिए, और फिर जो वो EL ऊपर दिखाया गया जहां मैं अभी पेन चला रहा हूँ उस वाले टर्म को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां पे ये EL लिखा हुआ ये वाला पोर्शन, ये जो गैप दिख रहा है यहाँ से लेके ये जो ड्रॉ डाउन आया है ये एनर्जी लाइन है, यही एनर्जी लाइन का ड्रॉ डाउन आपको फाइंड आउट करना है कि सेक्शन वन से जो एनर्जी घटना शुरू हुई है यहाँ E1 से यहाँ पे आ गई E2, ये जो चेंज EL का आया है यही हमको निकालना होता है एनर्जी लॉस। ठीक। ये ड्रॉ करिए और इसको लिखिए वहां पे कि हम क्या कौन सा इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं।
तो अब आते हैं डेरिवेशंस के ऊपर अपने, कि डेरिवेशन में जैसे कि अब यहाँ से क्या चीजें लेके चलनी है। तो हमने पहले बताया आप लोगों को कि इस इक्वेशन में आपको यही एनर्जी लॉस निकालना है, इसी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि ये जो यहाँ से लेकर के ये ड्रॉडाउन मिला है, इतना चेंज आया है, ये चेंज कितना है, यही हमको बेसिकली निकालना है। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, ठीक है, दैट इज योर E1 माइनस E2, यही हमको निकालना है। जो डेल्टा E आएगा दैट इज योर एनर्जी लॉस, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसको देखते हैं यहाँ से, तो देखिए ये डेरिवेशन आप लोग खुद से करिए ज्यादा बेटर होगा, मैं बताना चल रहा हूँ आप लोगों को। देखो मैंने बताया ना, एनर्जी लॉस इज गिवन बाय EL इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है, एनर्जी लॉस इज गिवन बाय EL इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो अब इसमें E1 माइनस E2 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि दो सेक्शंस की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो अब हम लोग इक्वेशंस पे आते हैं कि इक्वेशंस क्या लिखे होंगे हम लोग वहां पे। तो जैसे आपका यहां से अगर E1 निकालते हैं, E1 की वैल्यू होगी Y1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू Y2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ये दो वैल्यूज है आपकी, ठीक, E1 equal to Y1 plus V1 square upon 2G, E2 equal to Y2 plus V2 square upon 2G, ठीक। अब यहां से आते हैं, ये V1 square की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ही पता है Q बराबर A into V होता है, तो V बराबर क्या होगा, Q by A, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, V बराबर Q by A। और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो V बराबर Q, A की वैल्यू होती है B इंटू वाई, ठीक। और आपको पता है कि Q बाई B जो होता है वो होता है स्मॉल Q, तो V इज इक्वल टू हो गया Q बाई Y या स्मॉल Q, हाँ ठीक है, V इक्वल टू हो गया Q बाई Y या स्मॉल Q इक्वल टू V इंटू वाई। ये मैं पहले ही बताया हूँ, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एरिया बराबर होता है, डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए, और तो क्यू बाई ए हो जाएगा, और फिर वी बराबर क्यू बाई ए हो गया, और ए बराबर बी इंटू वाई रखेंगे रेक्टेंगुलर के लिए, तो क्यू बाई बी की वैल्यू हो जाएगी वी सॉरी स्मॉल क्यू, जो कि होता है डिस्चार्ज इंटेंसिटी, ठीक है, डिस्चार्ज इंटेंसिटी, ठीक। और डिस्चार्ज इंटेंसिटी को अगर देखें तो फिर ये आपका हो जाएगा, कह सकते हो यहां से V बराबर Q बाई वाई, यानी जो कहीं भी अगर V लिखा है तो वो Q बाई वाई से रिप्लेस होगा, तो अगर कहीं V स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, अगर V1 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन Y1 स्क्वायर,
तो ये ना हो तो नोट कर लीजिए कि कैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ देखिए इनिशियल में क्या लिखना है आपको, वी नो दैट, यहाँ लिखते जाइए, वी नो दैट ई वन इक्वल टू वाई वन प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी एंड ई टू इज इक्वल टू वाई टू प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी, और दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये लिखिए ई वन इक्वल टू इतना वी वन इक्वल टू इतना ई टू इक्वल टू, और फिर इसको अब इस इक्वेशन में वी वन कैसे रिप्लेस हुआ स्मॉल क्यू से वो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद इस पे क्योंकि डायरेक्ट डेराइव कर लोगे तो समझ में नहीं आया डेरिवेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जो ये इक्वेशन लिखना उसके पहले यहाँ पे ये सारी चीजें लिखिएगा कि कैसे यहाँ से वी की वैल्यू आपकी ये वैल्यू आ रही है वी इक्वल टू क्यू बाई वाई या वी स्क्वायर इक्वल टू q by y square कैसे आ रहा है। तो पहले लिखिए e1 equal to y1 plus v1 square upon 2g, फिर e2 equal to y2 plus v2 square upon 2g, फिर el is equal to e1 minus e2, value put करिए, फिर वहां से v square equal to q square upon y square ये लिखना है वो लेंगे, और फिर इसमें put करिए value, यहां कर लीजिए तब कराते हैं इसको आगे derivation।
तो अगर इसको लिख लिए हैं यहाँ से तो चलते हैं आगे डेरिवेशन पे। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे जब ये वैल्यू रखने के बाद मैंने कहा ना कि v स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई y स्क्वायर होगा, और आपने यहाँ क्या रखा है y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g रखा होगा माइनस y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका बेसिक इक्वेशन होगा एनर्जी लॉस का। तो पुट करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई y स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई y स्क्वायर अगर हम लोग पुट करेंगे तो जहां से आप कह सकते हो कि v स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई y स्क्वायर अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहां से आप कह सकते हो कि जी क्या हो जाएगा y1 वैसे का वैसे, जहां v स्क्वायर था v1 स्क्वायर वहां हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। सिमिलरली जहां v2 स्क्वायर था वहां होगा q स्क्वायर बाई y2 स्क्वायर, ठीक। और फिर ये आपका एनर्जी लॉस जो है वो हो गया y1 माइनस y2 प्लस 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई g। कुछ किया नहीं गया है, देखो y1 और y2 एक साथ लेके आओ तो y1 माइनस y2 यहां आ जाएगा एक साथ, ठीक। और इसके बाद आप कर सकते कह सकते हो कि फिर y1 माइनस y2 एक साथ हुआ। अब इसमें से देखो यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 2g और यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन है, तो इसको अगर बाहर निकाला जाएगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो q स्क्वायर बाई 2g का अगर वैल्यू बाहर निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी, यहाँ से ये बच जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। सिंपल देखो मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसी इक्वेशन को, मैंने यहाँ से y1 माइनस y2 अलग कर दिया, अब यहाँ बच गया हमने क्या किया फिर यहाँ से q स्क्वायर बाई 2g कॉमन लिया तो ये बचा 1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y2 स्क्वायर। ये थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ से मैं लिख रहा हूँ ना, तो आप लोग लिखते चलिए इसको। यहाँ से इसके बाद वाला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया y1 माइनस y2 एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक, प्लस 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई g हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब ये जो ब्रैकेट है बचा है यहाँ क्या बचा है 1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y2 स्क्वायर, ये यहाँ आएगा। अब इसका जब LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। ठीक है, और इसी चीज को उठा के यहां देखो ये y1 माइनस y2 आया है स्क्वायर, यहां आ गया ये टर्म, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसे की वैसी है, यहाँ आ गया 1 बाई 2 q स्क्वायर बाई g। तो इसके बाद ये दो स्टेप नोट कर लीजिए कैसे आ रहा है, इसका एलसीएम लिया गया है और ये वैल्यू ऐसे निकल के आई है यहाँ पे। अब आपको इसके पहले जो डेरिवेशन कराए हैं वहां पे अगर ध्यान दोगे तो q स्क्वायर बाई g की वैल्यू आपके पास है, ठीक। वहां पे ध्यान दोगे तो वहां आपके पास q स्क्वायर बाई g की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। जरा पीछे एक क्वेश्चन दिखाया गया उस पर देखो, ये नोट हो गया तो इसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उस पर।
अगर इसको ध्यान दो q स्क्वायर बाई जी है, इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में q स्क्वायर बाई जी की वैल्यू पुट करनी है, तो q स्क्वायर बाई जी की वैल्यू जहां तक मुझे पता है वो आप देखोगे 1 बाई टू वाई वन वाई टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू, ये q स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है। अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है पीछे, ठीक है। इक्वेशन नंबर जो पीछे इसके पढ़ा था उसमें है ये वैल्यू, तो अगर आप नोट करके डिराइव कर रहे हो तो आपको भी याद होगा कहाँ पे होगा ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ इसको, तो यहां पे देखो ये आपके पास जो वैल्यू है y1 स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है आप कह सकते हो यहाँ पे ये इक्वेशन, यहां से अगर आप q स्क्वायर बाई जी निकालोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी वही 1 बाई टू वाई वन वाई टू वाई वन प्लस वाई टू, और ये वैल्यू उठा के वहां लेके रखा है q स्क्वायर बाई जी की जगह पे। तो ये जो इक्वेशन 4.5 है, जो भी आप नंबरिंग किए होगे वहां से उठाना कि फ्रॉम इक्वेशन दिस सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ q स्क्वायर बाई जी, तो ये वैल्यू q स्क्वायर बाई जी की हम लोग वहां पे पुट कर रहे हैं। अब आते हैं अपने इक्वेशन के ऊपर, तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू पूरी है ये देखिए यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू आपकी q स्क्वायर बाई जी की वैल्यू है, और इस वैल्यू को रख के इसको रीअरेंज करोगे तो ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये q स्क्वायर बाई जी की वैल्यू पुट किए, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे रीअरेंज करेंगे थोड़ा बहुत जोड़े घटाएंगे तो ये जो इक्वेशन बन के आएगा वो आपका आ जाएगा सीधे सीधे, आप कह सकते हो कि आपका a माइनस बी का होल क्यूब बन के आएगा। एक बार देखो उसको सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है उसके बाद, इसी इक्वेशन को आपको a माइनस बी का होल क्यूब लाना है, यानी अगर आप लिखो तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में आपको y1 y2 को लेके आना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पे a आपका है y2 क्यूब, ठीक है। Just a minute. ये आपका है a, यानी a क्यूब जो है वो y2 क्यूब है, b क्यूब आपका y1 क्यूब है। तो ये जो इक्वेशन है इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये आपका निकल के आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, इस तरीके से फॉर्मेट में ले आओगे तो ऑटोमेटिकली जब एलसीएम वगैरह लेके इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इस फॉर्मेट बन जाएगा आपका वाई टू क्यूब माइनस वाई वन क्यूब माइनस थ्री वाई वन सॉरी वाई टू वाई वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई वन, ये ऐसे खुद ही बनेगा। एक बार इसको सॉल्व करिए तो ये इस फॉर्म में निकल के आएगा, ठीक। और ये इक्वेशन आपका होता है एक एनर्जी लॉस का डायरेक्ट इक्वेशन आपका, सॉल्व करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए a क्यूब माइनस a माइनस b के होल क्यूब पे, मतलब आपको ये टर्म बनाना है कैसे भी करके, ऐसे बनेगा y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब माइनस 3 y2 y1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1, ये इक्वेशन बनेगा यहां से, और अपॉन 4 y1 y2 रहेगा,
ठीक, तो इसको सॉल्व करके इस रूप में लाइए अपने इस फॉर्मेट में, फिर देखिए उतना आ रहा है कि नहीं। तो जब सिंपलीफाई करोगे आप तो ये इतना आपका निकल के आएगा, ठीक है। और ये लिखने के बाद ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। तो ये हो गया एनर्जी लॉस का इक्वेशन। अगर एक्सप्रेशन देखो, डेरिवेशन भी आता है कभी कभी, इसे मैं डेरिवेशन करा दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेगा आपको। तो न्यूमेरिकल के लिए इसको याद रखो कि एनर्जी लॉस फॉर हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो y2 - y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2, ठीक है। और जो आपका सीक्वेंट डेप्थ निकाले थे y2 upon y1 इज इक्वल टू क्या था आपका 1/2 - 1+√1+8f1² ये दो इक्वेशन हमेशा रखिए हाइड्रोलिक जंप से रिलेट करने के लिए, ये इक्वेशन इतना आपका होता है, ठीक है। अगर ये भूलेगा इक्वेशन तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इतना कम से कम याद रखिए कि सीक्वेंट डेप्थ रेशियो कितना होता है, तो y2 upon y1 = 1/2 - 1+√1+8f1², ठीक है। ये हो गया सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, ये हो गया एनर्जी लॉस y2 - y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। अब इसी में से कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट द रिलेटिव एनर्जी लॉस। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी से रिलेट करना। तो जैसे मान लो आपके पास 10 मीटर की एनर्जी थी, ठीक है, आपका जो E1 था वो आपका 10 मीटर था। फिर आपने वहां से जब एनर्जी लॉस हुआ, एनर्जी लॉस होने के बाद आपका जो E2 एनर्जी लॉस हो गया 8 मीटर का, E2 हो गया 2 मीटर का। तो अब कह रहा है कि रिलेटिव एनर्जी लॉस कितना हुआ है, कि मतलब उससे रिलेट करेंगे तो कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे वहां पे रिलेटिव एनर्जी लॉस को, फिर आपका EL upon E1 हमको निकालना है। अब यहां से हमें EL upon E1 निकालना होता है कि रिलेटिव एनर्जी लॉस आपका कितना हो रहा है, ठीक। तो ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी ये मीटिंग एंड भी होने वाली है। तो अभी यहां तक रखिए, EL = y2 - y1 का होल क्यूब अपॉन 4y1 y2। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा सबको। ये रिलेटिव एनर्जी लॉस हमें निकालना है EL upon E1। तो ये रिलेटिव एनर्जी लॉस को यहां पे आपका कह सकते हो आप EL upon Y1 जो है ये, मतलब अभी ये डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से रिलेटिव एनर्जी लॉस का। तो ये मैं कल स्टार्ट करूंगा रिलेटिव एनर्जी लॉस। अभी इस लेक्चर के लिए आप लोगों का यहीं तक रखते हैं EL, ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए, बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं इसको। सो थैंक यू क्लास।
आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। कल स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एनर्जी लॉस, हमें जो निकालना है वो है EL अपॉन E1 कितना होता है, ये यहाँ से स्टार्टिंग है। तो अभी यहाँ तक रखिए क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल मैक्सिमम लग जाते हैं आपके, बाकी ये तो डेरिवेशन पर्पज के लिए है, वो अभी करा देंगे कल आपको, ठीक है।